बहुत से लोगों ने अपने घर में भागते हुए सफ़ेद घोड़े लगाए हुए हैं नॉर्थ वेस्ट में। बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, वो बताते हैं कि हमने तो नॉर्थ वेस्ट में घोड़े लगाए हुए हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने ये टिप भी करी हुई है फॉलो, ये चीज़ भी करी हुई है। यहाँ वहाँ से जहाँ से भी छोटी छोटी टिप्स उनको मिलती हैं या बुक्स पढ़ी या किसी से सुन लिया, वो फॉलो आंखें बंद करके बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकता है। सफ़ेद घोड़े, सफ़ेद मतलब चंद्रमा का कलर, वाइट कलर, और घोड़े मतलब स्पीड। तो घोड़े लगाना, सफ़ेद रंग के घोड़ों की पेंटिंग नॉर्थ वेस्ट में लगाना अच्छी बात है। वहाँ पे चंद्रमा उचका होता है, कैश फ्लो बढ़ाता है, लेकिन सभी के लिए नहीं, सभी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। हम जब भी वास्तु करते हैं तो घर के साथ साथ क्लाइंट का हॉरोस्कोप भी सामने रखते हैं कि उसका मून कैसे रिजल्ट दे रहा है। अगर उसका मून अच्छे नंबर्स दे रहा है, जैसे 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर्स दे रहा है, अच्छी हेल्थ के नंबर्स दे रहा है, सक्सेस के नंबर्स दे रहा है, प्रमोशन के नंबर्स दे रहा है, तब वहाँ वो आपका काम करेगा। वाइट पेंटिंग, घोड़े की वाइट पेंटिंग लगाओ तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आपका चंद्रमा 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, 8वां घर परेशानी का, लॉसेस का और सर्जरीज का, अनवांटेड टेंशंस का, हिडन टेंशंस का, और 12वां घर भी हॉस्पिटलाइजेशन, परेशानियों का, खर्चों का, अगर ऐसे नंबर्स दे रहा है आपका चंद्रमा 8, 12 जैसे, और आपने वाइट पेंटिंग लगा दी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो आँख बंद करके कहीं से भी इधर उधर से लेके रेमेडी को फॉलो मत करो, अच्छे से वास्तु कंसल्टेंट को किसी बढ़िया से दिखाओ, साथ में अपना हॉरोस्कोप जो देखे, आपका हॉरोस्कोप और आपके घर का मैप दोनों को कंबाइन करके जब हम वास्तु को फॉलो करते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि सभी के लिए हर चीज़ बेनिफिट नहीं है, सभी को क्रोसिन से बुखार नहीं उतरता, या सभी को गैस की एक ही गोली काम नहीं करेगी, पेट दर्द की एक ही गोली सभी को फ़ायदा नहीं देती। सबकी बॉडी का टाइप अलग अलग है, सभी का घर का वास्तु अलग अलग है, सभी की हॉरोस्कोप अलग है। सभी के हॉरोस्कोप में मून किसी का कहीं प्लेस्ड है, किसी का कुछ कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, किसी का कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग वास्तु करना बढ़िया रहता है। ना कि एक ही जैसा वास्तु सभी को बोल दो कि साउथ ईस्ट में लाल बल्ब जला लो, नॉर्थ वेस्ट में सफ़ेद घोड़ों की पेंटिंग लगा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगा लो। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत तरीका है वास्तु करने का। सही से चीज़ों को फॉलो करो, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से करवाओ अपना घर का वास्तु, और अच्छे रिजल्ट्स पाओ।